कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ में वार्ड पुलिस अपनी मांगों को लेकर थाने पहुंची और यहां तकरीबन 130 लोगों को 11 महीने से अभी तक सैलरी का भुगतान नहीं मिला है। आपको बता दें कि पुलिस की सहायता और बाल विवाह को रोकने के लिए सरकार द्वारा महिला बाल विकास के द्वारा पुलिस के सहयोग के लिए महिला वॉलंटियर की भर्ती भी की गई है, जिसमें अपराध पर लगाम लग सके। वहीं इन वॉलंटियर्स के द्वारा भी लगातार पुलिस का सहयोग किया गया, लेकिन इन वॉलंटियर्स को 11 महीने से सैलरी नहीं मिली, जिससे इन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं वॉलंटियर वार्ड पुलिस के द्वारा ये बताया गया कि आज हम लोग अपने मानदेय को लेकर थाने पहुंचे हैं और इसको लेकर मांग की जा रही है। हम लोगों को एक साल सैलरी नहीं आया है। हम लोग कोरोना काल में भी पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक काम किए हैं, उसकी वजह से भी हम लोग थोड़ा परेशान हैं, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग की भी सैलरी बने, लेकिन यहाँ पे हम लोग थाना प्रभारी के पास इसलिए आए हैं क्योंकि हम लोग पेमेंट शिकायत दिखाने आए हैं, ताकि हम लोग अगर कोई बड़ा कदम उठाते हैं तो ऐसे में ये ना कहें कि यहाँ के वॉलेंटियर्स लोग डर के मतलब छुप के काम कर रहे हैं। सर, हम लोग की सैलरी नहीं मिली है अभी और टाइम लग गया। कब से नहीं मिल रही है? कम से कम साल भर होने को आया। इसके लिए आप लोग शिकायत करते हैं क्या? जी, हम लोग उसी की तैयारी कर रही है। हम लोग सबका साइन हो गया, सभी महिला पुलिस वॉलेंटियर का, पूरे कोरिया जिले की हम लोग महिलाएं सब एकत्रित होके और सभी का साइन हो गया है, और हम लोग ने कलेक्टर साहब के पास भी जाने का सोच रखा है, और उसके लिए टाइप करवाने के लिए हम लोग ने मैटर भेज भी दिया है, और प्लस ये हम लोग ये ना हो कि हम लोग छुप के कुछ कर रहे हैं या किसी के लिए अहित कर रहे हैं, ऐसा कोई ना सोचे, इसलिए हम लोग थाना प्रभारी को अपने थाना क्षेत्र के उनको इस विषय में जानकारी देने आए थे।